मशीन को चालू करते प्ले और ये मशीन होगी हमारी चालू। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो मानो तो दिन अच्छा है, ना मानो तो खराब दिन तो चल ही रहे। तो करते हैं वीडियो को शुरू। उससे पहले आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि मेरे काम की जर्नी कैसी थी। तो बने रहे हमारे वीडियो पे, तो सारी डिटेल्स बताऊँगा मेरे साथ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। वैसे तो मेरे को शुरू शुरू में जब मैंने ये मशीन लगाई थी तो अपने कोविड का टाइम चालू हो गया था, कोरोना हो गया था। तो जस्ट कोविड के 3 दिन पहले ही मैंने फैक्ट्री डाली थी। उसके बाद है जो मेरी फैक्ट्री 2 साल पूरे बंद रही थी कंप्लीट। तो मुझे भी कुछ काम तो आता नहीं था क्योंकि मैं भी अभी इस बिज़नेस में नया हूँ। तो पहले तो मैं बेंगलोर था, बेंगलोर अपने चिकपेट में साड़ी मार्केटिंग में मार्केटिंग करता था। तो फिर वहाँ से छूट के डायरेक्ट यहाँ पर आ गया, तो मेरी लाइन तो पूरी चेंज हो ही गई थी। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और चलो कोई नहीं, लाइन चेंज हुई तो हुई, ये काम सीखा मैंने। तो ये काम सीखना कोई बड़ी बात नहीं है और आप काम करते हो तो अच्छा है। अगर किसी चीज़ के बारे में जानना हो, नहीं जानना हो मशीन के बारे में, तो मेरे को पूछ सकते हैं। बट एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने कोई कोर्स नहीं किया इसका और ना ही मैंने कहीं इसके लिए देखा है कि मेरे को कोई मशीन सिखाए या मैं उनसे जाके सीखूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सारी मशीन मैंने यूट्यूब से देख के सीखी है, गूगल से पढ़ के ही सीखी है। तो आप भी सीख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बने रहे हमारे चैनल पे और करते हैं वीडियो को शुरू फैक्ट्री और देखते हैं क्या काम है क्या काम नहीं है। सबसे पहले चलते हैं नीचे तो देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो जैसा है कि मैंने कर दिया है बैग पैक और चलते हैं फैक्ट्री। फैक्ट्री चलने से पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि मैंने जो डूड़ी में काम किया था वो देख लो। ये चीज़ें भी CNC मशीन में ही बनती है, तो बने रहे वीडियो पे। ये चीज़ें बताऊँगा ये कैसे बनती है कैसे नहीं बनती है, गिफ्ट आइटम्स क्या होते हैं क्या नहीं होती, सभी चीज़ों के बारे में बताऊँगा। तो करते हैं वीडियो को चालू और मिलते हैं फैक्ट्री। जैसा कि आप सभी लोग अभी देख सकते हैं कि हम आ चुके हैं फैक्ट्री, और फैक्ट्री तो मैं कब का आ चुका हूँ, 2 घंटे हो गए हैं मेरे को आते हुए। तो मैंने कुछ काम किया था तो काम मैं दिखाना चाहता हूँ कि जो अपने बॉर्डर की लाइनिंग आती है, जैसे कि दिखाता हूँ आपको। मटेरियल मैंने चढ़ा दिया है, मशीन भी चालू कर दिया आज, तो आज मैं दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि सुबह सुबह का काम कुछ ऐसा ही था। जितना हो सके उतना दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि ये वाला मटेरियल है हमारा और ये वाला जो आर्क है, तो ये आर्क बैठाने के लिए मुझे कम से कम 2 घंटे लग गए। तो टाइम तो लगेगा बट चीज़ अच्छी होती है, देख सकते हो आप, ये देख सकते हो। ये खाली लाइन बैठाने के लिए मेरे को इतना टाइम लग गया है। तो इतना टाइम कैसे लगा है तो देखते हैं। अभी स्क्रीन पे देख सकते हो कि ये आर्क है, तो ये वाला आर्क है, दिखा देता हूँ मैं आपको 1 मिनट। ये देखो, तो ये वाला आर्क है, बनाने में मुझे कम से कम 2 घंटे लग गए। आप नहीं मान सकते क्योंकि काम सीखते हैं तो टाइम लगेगा आपको, ऐसा नहीं कि नहीं लगेगा। तो मिलते हैं हम मशीन की तरफ और दिखाता हूँ मैं आपको। तो गाइस अभी हम करते हैं मशीन को चालू और मटेरियल कितने टाइम में रेडी होता है, कैसे होता है और ये कैसा दिखेगा, तो मैं वीडियो के एंड में दिखाऊँगा। तो बने रहे हमारे वीडियो पर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर लीजिए। आप सभी अपना प्यार ऐसे बना रखें और मैं भी ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा। अगर आपको वीडियोस के अंदर कुछ अच्छा ना लगे तो कमेंट करके मुझे बोल सकते हो, नहीं तो देखिए जो सीखने को मिल रहा है सीखिए, काम में आने वाला है आज नहीं तो कल। तो बने रहे हमारे वीडियो पे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू। तो दोस्तों अभी हम करते हैं मशीन को चालू। तो अभी हुआ है 12:50 और देखते हैं कितने टाइम में ये है जो जॉब कंप्लीट होता है कैसा दिखेगा, तो मैं आपको दिखा दूंगा वो। तो अभी करते हैं मशीन को चालू और हम करते हैं प्ले और ये मशीन हो गई हमारी है चालू। और जो मैं इसकी मशीन की स्पीड है जो 80 पे रखने वाला हूँ, देख सकते हो आप।
स्पीड 80 पे रखूंगा तो कितने टाइम में 80 की स्पीड में मटेरियल रेडी होता है, तो बने रहे वीडियो पे, मिलते हैं वीडियो के एंड में। थैंक यू। जैसा कि आप सभी ने अभी देख लिया है कि मशीन को अभी 2 घंटे हो गए हैं चलते हुए, तो अभी देखते हैं और कितनी देर मशीन चलती है और मटेरियल कितनी देर में रेडी होता है, तो बने रहे वीडियो पे और चलते हैं देखते हैं। और जैसे जैसे अपडेट आती रहेगी आज के दिन की, तो वैसे वैसे अपडेट आपको देता रहूँगा क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है, तो बने रहे वीडियो पे। थैंक यू गाइस। तो जैसा कि आप अभी देख सकते हैं कि हमारा काम है जो कम्प्लीट हो चुका है, तो दिखा देता हूँ कितना टाइम लगा है मुझे इस जॉब के अंदर। तो हमारे व्यूवर्स पूछते रहते हैं कि कितना टाइम लगता है जॉब के अंदर, तो देख सकते हो कि अभी 2 घंटे लग चुके हैं, 2 घंटे और 38 मिनट हो चुके हैं और हमारी जॉब है जो कंप्लीट हो चुकी है। तो देख सकते हैं आप, मैं दिखाता हूँ आपको, अभी देख सकते हो कि आप सभी ने अभी देख लिया है कि इस जॉब को 2 घंटे और 38 मिनट लगे हैं और कैसा बना है आपके सामने है। और मैंने 5 mm बोलनोस बिट का यूज़ किया था, तो अभी हम चढ़ाते हैं दूसरा जॉब, सेम जॉब होगा और उसकी स्पीड हम रखेंगे अब की बार 90 रखेंगे और देखेंगे अब की बार कितने टाइम में पूरा हो जाता है। बने रहे वीडियो पे और चैनल को सब्सक्राइब कर भी लीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए और बेल आइकन दबाइए ताकि मेरे वीडियोस बाकी लोग भी देखें कि हाँ उनको भी पता चले ऐसी मशीन होती है, ये काम भी होता है और कैसे होता है, तो सभी बताएंगे हम। तो बने रहे हमारे वीडियो पे। तो चढ़ाते हैं दूसरा जॉब और रखते हैं 90 की स्पीड और कितने टाइम में कंप्लीट होता है वो देखते हैं। हेलो गाइस, जैसा कि आप अभी देख सकते हैं कि मैंने मटेरियल को है जो फिट कर लिया है, देख सकते हैं आपने, तो मैंने मटेरियल फिट कर लिया है। तो अब की बार मशीन की स्पीड रखेंगे हम 90 और 90 की स्पीड में ये कितने टाइम में इस जॉब वर्क को पूरा करती है, तो बने रहे वीडियो पे और देखिए। तो अभी हम करते हैं मशीन को स्टार्ट।
तो मशीन हो गई स्टार्ट, देख सकते हो आप। तो अभी हम मशीन की स्पीड है 90, तो बने रहे वीडियो में, तो दिखा दूंगा आपको मैं वीडियो के वापस एंड में कि हाँ भाई कितना टाइम लगेगा इसको। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। जैसा कि दोस्तों आप सभी ने अभी देख ही लिया है कि मैंने है जो मशीन की आपकी बाई स्पीड है जो 90 कर ली है, तो 90 की स्पीड में ये कितने टाइम में कंप्लीट करेगा जॉब वर्क, तो देखते हैं। बीच बीच में दिखा दूंगा आपको कितना टाइम लग रहा है कितना टाइम नहीं लग रहा है। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। जैसा कि आप सभी ने देख ही लिया होगा कि 2 घंटे और 10 मिनट लगे इस जॉब को, तो 90 की स्पीड से रहता है तो 2 घंटे 10 मिनट तो बोले तो ज़्यादा कुछ फ़र्क होता नहीं, 20 मिनट 10 मिनट का फ़र्क आता है। तो यही होता है स्पीड का खेल भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और ऐसे ही प्यार बनाए रखें ताकि मैं से और भी नए वीडियोज़ लेके आ सकूँ। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।